चरखी दादरी में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से सैनीगंज मोहल्ले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पिछड़े और गरीब लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष किया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने बाल विवाह, सती प्रथा और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अहम योगदान दिया। देखिए, आज महात्मा ज्योतिबा फुले के जयंती के अवसर के ऊपर एक पखवाड़े में ये कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले एक ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में गरीबों के उत्थान के लिए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, उसको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष किया है। ऐसे महापुरुष, उनके दिवस को आज दादरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा यहाँ पर मना रहा है और उस अवसर के ऊपर मुझे यहाँ आने का मौका मिला है, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के इतिहास को अगर हम याद रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी ये मालूम पड़ेगा कि इन महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर क्या क्या कठिनाइयाँ सहन की, कैसे तपस्या की और समाज के हित के अंदर, देश के हित के अंदर इन्होंने काम किया है। इन्होंने उस समय के अंदर बाल विवाह, उसका विरोध किया और विधवा विवाह, उसका विरोध किया। किसानों के हित के अंदर उन्होंने काम किए हैं और उन्होंने सबसे बड़ा कार्य शिक्षा के क्षेत्र